हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। हमारा ये भूगोल में टॉपिक चल रहा था भारत की मिट्टी, और इसका एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने बताया था कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और उनका नाम बताया था। तो यहाँ से हर एक मिट्टी का हम वर्णन करेंगे, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, पहला मिट्टी क्या है? जड़ोल मिट्टी। जड़ोल मिट्टी देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं, और यह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत के 43%, 43% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत के 43% क्षेत्र पर क्या? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। फिर यह उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उत्तरी मैदान क्यों? ऊपर जब ये पर्वत से नदियाँ मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो जो मिट्टी का जमाव करती हैं, उसी को जड़ोल मिट्टी कहते हैं। और तटीय मैदान इसलिए बोला जा रहा है कि जो नदियों के किनारे जो स्थान है, वहाँ पे जो मिट्टी जमी है, उसको जड़ोल मिट्टी कहते हैं। फिर यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। कहाँ से? पहाड़ी क्षेत्र से, और मैदानी क्षेत्र में इसको फैलाया जाता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाके इसको मैदानी क्षेत्र में फैलाया जाता है, उसी को जड़ोल मिट्टी कहते हैं। फिर देखते हैं, जब जड़ोल मिट्टी में कम मात्रा में चूना मिला हो, जड़ोल मिट्टी में कम मात्रा में, सॉरी चूना नहीं, बालू मिला हो, तो उसको काप कहते हैं। जब जड़ोल मिट्टी में कम मात्रा में बालू मिला हो तो उसे काप कहते हैं, और अधिक मात्रा में बालू हो तो उसे दोमट कहते हैं। अधिक मात्रा में बालू हो तो उसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। और यह दो जड़ों मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, और इसमें गेहूं, मक्का, तिलहन आदि की खेती होती है, लेकिन धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, इस नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और चूना पत्थर तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर तथा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा जड़ों मिट्टी के बारे में? इसका दो नाम है, दोमट और कछारी मिट्टी। जड़ मिट्टी का इसे दोमट और कछारी मिट्टी कहते हैं। यह भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो भारत के 43% क्षेत्र पे पाया जाता है। यह उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में सर्वाधिक पाया जाता है। उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान में सर्वाधिक पाया जाता है। यह मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जब जड़ोल मिट्टी में कम मात्रा में बालू पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉप कहते हैं। और अधिक मात्रा में जब बालू पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? डोमट। फिर जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इसके बाद इसमें गेहूं, मक्का, तेलहन की भी खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक चूना पत्थर तथा पोटेशियम पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक चूना पत्थर तथा पोटेशियम पाया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला मिट्टी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब अगली मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी। इसके पहले हमने जड़ोल मिट्टी पढ़ लिया, अब काली मिट्टी देखते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। किसके टूटने फूटने से होता है? बैसाल्ट चट्टान, बैसाल्ट जो चट्टान है उसके टूटने फूटने से होता है। इसको लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या? लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं, और ये बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनती है। और इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यह मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है। क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ह्यूमस, जिसके कारण यह मिट्टी पानी सबसे ज़्यादा सोखती है। फिर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है, इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। यह भारत में 13% क्षेत्र पाया जाता था। जड़ोल में हमने क्या पढ़ा था? भारत के 43% क्षेत्र में पाया जा रहा था, यह 13% क्षेत्र पाया जाता है। और यह प्रायद्वीपी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिट्टी, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपास की भी खेती होती है इसमें, सबसे अधिक पाया जाता है। तो हमने क्या देखा? काली मिट्टी में यह बैसाल्ट चट्टान से मिलकर बना हुआ है, और यह लावा निर्मित मिट्टी है। यह भारत के 13% क्षेत्र में पाया जाता है, और काली मिट्टी में ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यह पानी सबसे ज़्यादा सोखता है। और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है।
इसको रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। तो काली मिट्टी में बस इतना ही टॉपिक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मिट्टी को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट अगली मिट्टी के बारे में देखते हैं। इसके पहले हमने दो मिट्टी देख लिया है और टोटल कितने प्रकार की मिट्टी थी, 8 प्रकार की, जिसमें यह तीसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें फेरिक ऑक्साइड उपस्थित रहता है इसलिए इसका रंग लाल होता है। लाल होने के कारण फेरिक ऑक्साइड उपस्थित रहता है इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसमें लोहा और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है, लोहा सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें खनिज पदार्थ बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसमें खेती संभव नहीं है। इसलिए खेती के लिए ये लाल मिट्टी अच्छी नहीं है। इसका रंग लाल क्यों होता है, इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, फिर इसमें लोहा और सिलिका पाया जाता है और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए खेती के लिए यह मिट्टी अच्छी नहीं है। यह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में और थोड़े मात्रा में नागालैंड महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ भागों में भी यह पाई जाती है। नागालैंड महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ भागों में भी यह पाई जाती है। यह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसमें बाजरे की खेती सबसे अच्छी होती है। यह जो जल सूखने के बाद इसका रंग लाल मिट्टी कैसा हो जाता है, पीला। जल सूखने वाला लाल मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। यह 18% क्षेत्र पर पाई जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, 18% क्षेत्र पे पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट लेटराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ज़्यादा गर्म पड़ती है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ज़्यादा गर्म पड़ती है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस में होता है, निक्षालन पद्धति से। किस पद्धति से, निक्षालन पद्धति जिसको इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं। किस पद्धति से होता है, निक्षालन पद्धति जिसको इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं। तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे छोटे कण भूमि के अंदर घुस जाते हैं और ऊपर से भूमि क्या लगेगी, पथरीली लगेगी। ऊपर से भूमि पथरीली कर लगेगी। इसी विधि को निक्षालन कहते हैं या लीचिंग। इसमें क्या होता है, तेज वर्षा के कारण भूमि के अंदर मिट्टी के छोटे छोटे कण चले जाते हैं और ऊपर से परत पथरीली हो जाती है, इसी को निक्षालन कहते हैं। फिर इस लेटराइट मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा, लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लौह ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल है। लौह ऑक्साइड के अधिक होने के कारण इसका लाल है। और यह केरल कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, उड़ीसा मेघालय असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह मिट्टी केरल कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा मेघालय असम के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और केरल में सबसे अधिक यह मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी, लेटराइट मिट्टी मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इसलिए केरल में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती होती है। फिर इसमें मसालों की खेती सबसे अच्छी होती है। काजू कॉफी की भी खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा केरल में यह मिट्टी पाई जाती है और इसमें मसाले की खेती सबसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए केरल को मसालों, केरल सबसे ज़्यादा मसाला खेती करता है। और लेटराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर से ऊपर वाली वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ गर्मी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है। और यह निक्षालन विधि के द्वारा यह मिट्टी बनता है। निक्षालन विधि में क्या है, अधिक बारिश के कारण भूमि के अंदर मिट्टी के कण चले जाते हैं और ऊपर से वह परत कठोर हो जाती है, उसको निक्षालन कहते हैं। और यह इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाया जाता है। लौह ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण इसका रंग लाल होता है और यह केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मसाले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो स्टूडेंट आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अगला भाग पूरा करेंगे। 4 प्रकार की मिट्टी हमने डिटेल में पढ़ लिया है और 4 प्रकार की और मिट्टी बची हुई है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे मिट्टी पे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अभी के लिए इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट बार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका अगला भाग लेके। थैंक यू।